नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियमित पदों के सृजन, नियमितीकरण सहित विभिन्न मांगों को लेकर उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM श्री प्रेमचंद जी बैरवा को ज्ञापन सौंपा और अपने नियमित पदों सहित विभिन्न जो मांगे हैं उनके समक्ष रखी। क्या कुछ है पूरी अपडेट इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर उप मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपकर अपने नियमितीकरण की यहाँ पर मांग की। आप देख सकते हैं, मैं बता दूं 11 अगस्त 2024 को पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक संघ राजस्थान ने एक जो ज्ञापन है, मैं प्रार्थना पत्र श्री प्रेमचंद जी बैरवा साहब जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको यहाँ पर ज्ञापन दिया और शिक्षा विभाग में संविदा पर कार्यरत पंचायत शिक्षक व विद्यालय सहायकों एवं कनिष्ठ शिक्षकों सहित करीब 19,000 संविदा कर्मचारियों को संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत पालना का नियमित करवाने का निवेदन यहाँ पर किया। इन्होंने कहा है कि उप विषय में निवेदन है कि राज्य में शिक्षा विभाग में लगभग 19,000 संविदा कर्मचारियों को संविदा सेवा नियम 2022 के अंतर्गत संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं, साथ ही जिसको संविदा सेवा नियम 2022 का पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। इन्होंने निवेदन किया है कि संविदा सेवा नियम 2022 राज्य में 11 जनवरी 2022 को बनाया गया एवं इस नियम को बने हुए 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है। वह दिसंबर 2022 में यह संविदा कर्मी पंचायत शिक्षक विद्यालय सहायक व कनिष्ठ शिक्षक सहित अनेक संविदा कर्मियों जिनको लगभग 19 माह पूरे हो चुके हैं, इसके बावजूद भी इन पर अभी तक संविदा सेवा नियम 2022 लागू नहीं किया गया, जिससे इनको भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बीमार होने की दशा में न तो मेडिकल लीव मिल रहा है, ना मेडिक्लेम बनाया जा रहा है। वहीं संविदा नियम में मेडिकल लीव एवं मेडिक्लेम का उल्लेख है। वहीं सेवा पुस्तिका संधारण, रोस्टर बुक बनाना एवं 500 रुपये दुर्घटना बीमा, 1500 रुपये मेडिक्लेम का लाभ देने सहित संविदा सेवा नियम में उल्लेख लिखित है। वह दिसंबर 2022 में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी आदेश जो नियुक्ति पत्र में भी ये जो पूरी विवरण है, जो 500 रुपये दुर्घटना बीमा का, 1500 रुपये मेडिक्लेम पॉलिसी का, वो स्पष्ट लिखा हुआ है। इसके बावजूद भी संविदा कर्मचारियों को इन सुविधाओं का उनसे वंचित रहना पड़ रहा है। साथ ही इन्होंने निवेदन किया है कि संविदा कर्मियों के हितों में संविदा सेवा नियम 2022 को लागू कर नियमित करवाने का श्रम करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर देवी सिंह देवल की अध्यक्षता में ये ज्ञापन यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को सौंपा गया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है PP चौधरी साहब जो माननीय सांसद हैं लोकसभा क्षेत्र पाली से, और श्री अर्जुनलाल जी गर्ग साहब जो माननीय विधायक हैं विधानसभा क्षेत्र बिलाड़ से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो उप मुख्यमंत्री महोदय हैं उनको ज्ञापन सौंपते हुए संविदा सेवा नियम 2022 में उल्लेखित विभिन्न सेवाओं सहित नियमितीकरण और नियमित पदों के मांग जो सृजन की मांग यहाँ पर की है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 को लागू हुए करीब 2 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, बावजूद इसके उसमें उल्लेखित जो सेवाएं हैं, जो सर्विस हैं, वो भी संविदा कर्मचारियों को नहीं मिल रही है, इससे संविदा कर्मचारी वंचित हैं। जिला शिक्षा अधिकारियों ने जो ऑर्डर जारी किया था अपॉइंटमेंट ऑर्डर, उसमें भी स्पष्ट उल्लेख है, फिर भी इन सेवाओं से इनको वंचित रहना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं इन्होंने कहा बीमार होने की स्थिति में न तो मेडिकल लीव मिल रहा है, ना ही मेडिक्लेम पॉलिसी बनाई जा रही है। वहीं संविदा सेवा नियम 2022 में मेडिकल लीव और मेडिक्लेम का उल्लेख है। सर्विस बुक और रोस्टर जो पंजिका है वो बनाने, 500 रुपये दुर्घटना बीमा, 1500 रुपये मेडिक्लेम का लाभ देने का भी सेवा नियम 2022 में लिखित में है, जबकि दिसंबर 2022 में जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा जारी जो नियुक्ति आदेश है उसमें भी स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है, लेकिन संविदा कर्मचारियों को इन सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। अतः इन्होंने पुनः निवेदन किया है कि संविदा कर्मियों के हितों के में संविदा सेवा नियम 2022 लागू करवाकर नियमित करवाने का श्रम करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन सौंपते हुए जो मेडिक्लेम पॉलिसी है, दुर्घटना बीमा है, सर्विस बुक मेंटेन है, रोस्टर पंजिका संधारण है, साथ ही साथ नियमितीकरण की मांग को लेकर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है।
वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।